हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की शुरुआत फिर से किचन से ही हो रही है। मैं आपको किचन से ही वीडियो शूट करके दिखाती हूँ। बाकी फ्रेश होने का काम, झाड़ू पोछा वगैरह मैं पहले ही कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो आज जो है हमारा दर खाने का दिन होता है, क्योंकि कल तीज है। तीज के फास्ट से पहले, एक दिन पहले हमें मायके में बुलाया जाता है खाने पे। तो मेरी मम्मी का घर तो यहाँ से बहुत दूर है, तो इसलिए मैं अपने घर में ही बना रही हूँ। तो बनाने से पहले खाना, मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या क्या आइटम बनाऊँगी, मगर देखते हैं कितना बना पाऊँगी मैं आज। तो आज संडे है इसलिए मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं इजीली बना सकती हूँ खाना बिना किसी हड़बड़ी के। और किचन भी मैं धीरे धीरे साफ करती रहती हूँ एक तरफ। तो मैं यहाँ पे बना रही थी तिल की चटनी, उसके लिए मैं सिलबट्टे को साफ कर रही थी। तो मैं जो है चटनी आज सिलबट्टे में पीसूंगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है इसलिए। नहीं तो मैं मिक्सर यूज़ करती हूँ जल्दी जल्दी चटनी पीसने के लिए। यहाँ मेरी दाल भी बन गई है कुकर में, और एक तरफ मैंने अंडा और आलू उबाल लिया था प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ाया हुआ है सो दैट कि मैं गोभी को थोड़ा सा उबाल लूँ। गोभी को मैं हमेशा उबाल लेती हूँ काट कर, ताकि उसकी सारी गंदगी जो अच्छे से निकल जाए और थोड़ी सी गोभी जो है वो कुक भी हो जाए। तो बस अब मैं शुरू कर रही हूँ खाना बनाना। देखते हैं मैं क्या क्या बनाती हूँ धीरे धीरे। मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है चटनी पीसना। तिल को मैंने अच्छे से भून लिया था पहले, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको पीस रही थी। और अब मैं इसमें मिर्च डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी, उसको भी अच्छे से पीस लूंगी। और साइड बाय साइड मैं जो है गोभी को उबाल भी रही हूँ, दो तीन काम एक साथ कर लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। और यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर वगैरह चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि दो सब्ज़ी बनानी है मुझे आज, तो एक साथ चॉप करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे हो गए हैं लहसुन अदरक मिर्च और प्याज टमाटर चॉप, और ये गोभी और आलू को भी मैंने उबाल के छान के रख दिया है। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैं गोभी को फ्राई करूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट में सबने अंडा और रोटी खाया था, तो मैं अंडा खाती नहीं हूँ इसलिए मैं अपने लिए हक्का नूडल्स बना रही हूँ। तो ये देखो मैंने उबाल दिया इसको अच्छे से। अब मैं इसमें सिर्फ प्याज टमाटर डाल के सिंपल सा बनाऊँगी, ज़्यादा मसाले वाला मुझे इतना पसंद नहीं है नूडल्स। तो यहाँ मेरा खाना भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये बन गई है दाल, आलू की चटनी और सब्ज़ी गोभी की, ये अंडा करी, और ये है भरवा भिंडी, ये भरी हुई मिर्च फ्राई कर दी थी, और पापड़ और रायता। और राइस तो हमारे तैयार हो ही गए थे। तो हो गई है यहाँ पे शाम, और काजल आ गई है मेहंदी लगाने के लिए मम्मी की। तो मम्मी की सबसे पहले मेहंदी लगाएगी वो, तब तक मैं अपने छोटे मोटे काम कर लेती हूँ रात के खाने वाने के। तो शाम के यहाँ पे 7 बज रहे थे और मेहंदी लगाना काजल ने स्टार्ट कर दिया था। साल तीज में भी काजल ने ही हमारे हाथ में मेहंदी लगाई थी, तो इस बार भी हमने काजल को ही बुलाया मेहंदी लगाने के लिए। वैसे तो हम इस बार पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चाचा जी है हमारे, उनकी डेथ हो गई थी, एक साल अभी हुए नहीं है उसके पूरे हुए हुए, इसलिए तो हम सिर्फ व्रत रखेंगे, पूजा नहीं करेंगे। पूजा के लिए हम कहीं और दे देंगे अपने हिस्से का। तो यहाँ पे मैं जब तक वहाँ पे मेहंदी लग रही थी मम्मी की, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर मुझे भी मेहंदी लगवानी थी इसलिए। तो मैं यहाँ पे रोटी बना देती हूँ पापा के लिए, इनके लिए, और हम भी खा लेंगे एक दो रोटी। और यहाँ पे मेरी रोटी फूली फूली बन रही है बढ़िया से। तो मम्मी के हाथ में भी ऑलमोस्ट मेहंदी लगने वाली है, अब दूसरे हाथ में भी लगाएगी, उसके बाद इनका हो जाएगा। ज़्यादा भर भर के नहीं लगाती है मम्मी मेहंदी, थोड़ा थोड़ा ही लगाती है, उनके हाथ में थोड़ी दिक्कत है इसलिए। तो ये काजल की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अभी हमें मेहंदी लगाने आई वो, और यहाँ पे मम्मी की हो गई है मेहंदी खत्म। अब लगवाऊंगी मैं मेहंदी, तो मेरे को भी यहाँ पे शुरू हो गई मेहंदी लगानी। और हम सभी बैठे हुए थे आज बाहर वाले रूम में, तो मेरे एक हाथ में मेहंदी लग गई है। तो ये देखो मैं कैसे दिखा रही हूँ हाथ में मेहंदी। तो अब दूसरे हाथ की बात, दोनों बच्चे, ये देखिए इतना सारा खाना खाएगा तू, क्या आप ये खाना खा लेंगे? बाय बाय चाचा, वापस भी मत आना। ये आज चिकन की इनकी आज पार्टी है, और ये सिंह है। हमने लगा ली है मेहंदी, ये तो छूटने भी लग गया।
अब हम जाएंगे काजल को छोड़ने के लिए। काजल, आर यू रेडी? मन होगा तो मैं पी लूँगी, पापा को भी देना है कि दूध। चटनी रख दूँ फ्रिज में? तो हो गई है सुबह अगले दिन की, आज है मंडे, तो आज है हमारा तीज का व्रत। और ये सारा सामान मैंने निकाला था तैयार होने के लिए, और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। तो आज कहीं बाहर जाना तो है नहीं, तो हल्का सा ही मेकअप करूँगी मैं, थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगाऊँगी बस। वैसे भी मैं फाउंडेशन तो लगाती नहीं हूँ, तीज के दिन सब कुछ रेड रेड लगाने का मन करता है। वैसे कोई और कलर भी लगा सकते हो आप, मगर मैं रेड कलर ही प्रेफर करती हूँ, मुझे रेड कलर ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली थी, अब मैंने यहाँ पे बिंदी लगा ली है, और ज्वेलरी पहनना तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन। तो बस अब मैं फटाफट से ज्वेलरी पहन लूँगी और फिर चल देंगे अपना काम करने के लिए। तो आज घर में ट्यूबलाइट लगवा रही हूँ मैं अपने रूम में, तो आने वाले हैं वो अंकल, तो इसलिए हर रूम में चली जाऊंगी अभी, और मम्मी पापा के साथ जाके बैठूंगी, तब तक काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे रूम में। और चलो चलते हैं। आप रेडी हो गए? नाश्ता मिला? व्रत है इनका भी आज। मेरा मत दिखाइए। क्यों? सबका दिखेगा, समझे? सुंदर लग रही? सुंदर, हम भी सुंदर। मेरा आईलाइनर नहीं मिला आज, बस ये मैंने पापा आई रहा बार बार, ये आलता ज्यादा लाल नहीं है यार, सही तीखा सही लाल नहीं है। उठाली दूर रख, ये है मेरा आलता भी लगा लिया है, और मेहंदी भी रच गई है। बस हमारा तीज का फेस्टिवल ऐसे ही आज मन गया, तो आज कुछ पूजा वगैरह तो हमने करी नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।